हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए, यह थर्ड अगस्त का प्रीलिम्स फोकस डिस्कशन जो कि आज है, तो आज ही मैं अपलोड कर दिया, ठीक है? इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था दैट यही सबके रीजन के लिए आज का क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन नहीं हो पाया, ठीक है? बट चलिए, कुछ तो आप लोग मैंने समझ ही रहे होंगे। एनीवेज, देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे ब्रिक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म। देखिए, हमारे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना बिटवीन इंडिया और ब्रिक्स कंट्रीज। किस रीजन में? इस एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म के रीजन में, क्योंकि ब्रिक्स जो पहले से एक एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म कैरी आउट कर पा रही थी जहां पर इंडिया इन्वॉल्व नहीं था, बट अभी क्योंकि इंडिया ने भी एमओयू साइन कर दिया है तो इंडिया में भी एग्रीकल्चर रिसर्च के जिस जिस सेक्टर में हम लोग लैग कर रहे थे वो उसकी भरपाई कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इट विल प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन थ्रू स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर। पॉवर्टी एलिवेशन तो होगा ही, आपको पता ही, आप क्योंकि एग्रीकल्चर में रिसर्च होगा तो अच्छी अच्छी बातें ही होती है, ठीक है? अच्छी अच्छी बातें होती है तो मतलब एग्रीकल्चर का से रिलेटेड जो भी लोग इंक्लूड है, उनका रिस्पेक्टिवली जो पैसे उन लोगों को मिलने वाले थे, मतलब कमाई ज्यादा होती है, ठीक है? तो इसीलिए पॉवर्टी एलिवेट हो गई, ठीक है? साथ ही साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्योंकि अभी के जितने भी साइंटिस्ट रहते हैं वो तो ऐसा नहीं दैट प्रकृति को दांव में रखकर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। कोई भी अगर चीज़ होगा तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही होगा, ठीक है? तो इसके तहत हम ये सब सेक्टर में कॉपरेट करेंगे। साथ ही साथ इट विल ऑल्सो प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी इन ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज। ब्रिक्स के कुछ कुछ कंट्रीज है, जैसे इंडिया ही देख लीजिए, चाइना भी के भी कुछ कुछ रीजन्स है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगर है, ठीक है? तो इस रीजन्स में हम लोगों के फायदा होगा दैट हमारा जो फूड सिक्योरिटी के लिए जो हम लोग इतना सोच रहे हैं दैट क्या होगा फ्यूचर का फूड सिक्योरिटी, तो उस फूड सिक्योरिटी को हम काबू कर सकते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम लोग रिसर्च करेंगे, है ना? जिससे कि अच्छे अच्छे न्यूट्रिशियस फूड हम लोग फ्यूचर में प्रोवाइड कर सकते हैं अपना सिटीजन्स को। इट विल इंटेंसिफाई द कॉपरेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज इन एग्रीकल्चरल रिसर्च, है ना? जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में एग्रीकल्चर रिसर्च को इंटेंसिफाई करेगा, जिसके तहत क्या क्या फायदे होंगे हमारे पॉलिसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के सेक्टर में हमें फायदा मिलेगा। इट विल एड्रेस द इशू ऑफ वर्ल्ड हंगर। वर्ल्ड हंगर का इशू एड्रेस करेगा, साथ ही साथ अंडर न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, है ना? तो ये सब कुछ कुछ न्यूज़ है, मतलब इश्यूज़ है जो क्या वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है, ठीक है? तो उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए ये बहुत ज़्यादा एमओयू जो हमने साइन किया है ये कहा जा रहा है दैट बहुत लाभदायक रहेगा। इट विल इन्हांस द एग्रीकल्चरल ट्रेड, बायो सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, है ना? और कौन कौन कंट्रीज है दोस्तों, देख लीजिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है? ये सब ब्रिक्स कंट्रीज है हम लोग। नेक्स्ट इज एमओयू बिटवीन इंडिया और स्पेन। इंडिया और स्पेन का देख लीजिए कहाँ है ना? तो ये एमओयू किस रीजन में साइन किया गया है? रिन्यूएबल सेक्टर के एनर्जी में, जिससे क्या हमारा फ्यूचर में क्या बायलैटरल कॉपरेशन बहुत तगड़ा मजबूत हो जाएगा हम दो कंट्रीज के बीच में। साथ ही साथ इट विल एक्सचेंज द एक्सपर्टाइज एंड नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी रिन्यूएबल सेक्टर में जो भी एक्सपर्टाइज है, और वो लोग तो यार यूरोपियन कंट्रीज के ज़्यादा डेवलप्ड रहते हैं, ठीक है? तो उनसे हम लोग अच्छे अच्छे चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो लीड टू कॉपरेटिव इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप टू इनकरेज एंड प्रोमोट टेक्निकल बायलैटरल कॉपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी एंड रेसिप्रोसिटी, है ना? नेक्स्ट इज नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग एंड रोड मैप। दोस्तों, ये एक मिशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर एक मिशन है ये। तो इसके तहत कुछ एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया है और उस स्कीम का नाम है कल्चरल टैलेंट डिस्कवरी स्कीम। इसके तहत क्या किया जाएगा? देर विल बी ए कलेक्शन ऑफ डेटाबेस ऑफ ऑल द आर्टिस्ट इनहैबिटेटिंग इन इंडिया, आर्टिस्ट, आर्टिशियंस एंड वेरियस आर्ट फॉर्म्स, ठीक है? जितने भी आर्टिस्ट का नाम है, बड़े बड़े आर्टिस्ट या फिर छोटे मोटे आर्टिस्ट, सबका एक डेटाबेस होगा, ठीक है? साथ ही साथ जितने आर्ट फॉर्म्स है, वो पेंटिंग ले लीजिए या फिर कोई कलाकारी ले लीजिए, ठीक है? तो सब चीज का एक जगह कलेक्शन होगा और उस कलेक्शन के बारे में फ्यूचर के हमारे आने वाले जनरेशंस को अवेयरनेस फैलाया जाएगा। किसके तहत? नेशनल कल्चरल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत, ठीक है? एंड इट इज ऑल्सो मेंट टू अप्लॉय न्यू टैलेंट एंड प्रोटेक्ट ऑल द एज ग्रुप ऑफ आर्टिशियंस बाई ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज अंडर दिस स्कीम, अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम कैरी आउट करेंगे तो जितना भी हमारे डेटाबेस में जो जो लोड है उसके बारे में पूरा दुनिया को पता चलेगा, ठीक है? उससे हम लोग जो हम लोग वैल्यू सोचते थे, मतलब जो हमारा इंडिया का एक वैल्यू कल्चरल जो तिजोरी है हमारा, वो उसके बारे में लोगों को पता चलेगा इसके तहत, ठीक है? नेक्स्ट है TREAD स्कीम। ये महिलाओं के लिए ही स्कीम है, ठीक है? और ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इसका फुल फॉर्म है ट्रेड
ट्रेड रिलेटेड इंटरप्रिनोरशिप डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम, ये एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्कीम है जो एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन है, ठीक है, मेन के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा, सरकार 30% तक लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, और जो सीलिंग लोन का होना चाहिए वो 30 लाख से ज़्यादा नहीं देगी, 30 लाख से अंडर ही लोन प्रोवाइड मुहैया करवाएगी। कहाँ से, बैंक्स या फिर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, किसको, एनजीओस को। अब एनजीओस फिर वुमेंस को देगा, ठीक है, अब वुमेंस फिर उस पैसे को कैसे खर्च करती है वो लोग जाने, बट किस किस रीजन में पैसे खर्च करेगी वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे टेलरिंग, हैंडीक्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, टॉय मेकिंग, रेडीमेड गारमेंट, कैंडल मेकिंग, अगरबत्ती मेकिंग, पेपर कप प्लेट, है ना, मसाला पाउडर, साड़ी वीविंग, क्वाड मैट मेकिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, पढ़ लो, ठीक से, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल बायोफार्मा मिशन, ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चलाता है, ठीक है, तो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ये मिशन आता है ना। इस मिशन के तहत क्या क्या किया जाएगा वो देख लेते हैं। इट इज़ अ मिशन, इट इज़ एन इंडस्ट्री एकेडमिया मिशन, मतलब इंडस्ट्री और एकेडमिया मिलकर ये मिशन को कैरी आउट करेंगे, टू एक्सलेंट बायोफार्माक्यूटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, दैट विल लीड टू द स्ट्रेंथनिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर बोथ प्रोडक्ट डिस्कवरी वैलिडेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और साथ ही साथ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल विल बी देयर, बिकॉज द ह्यूमन पीपल विल, मतलब ह्यूमन, एक ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या होता है, हम और आप ह्यूमन कैपिटल है, जो फ्यूचर में बहुत हमारे देश के लिए बहुत कैपिटल गेन किया जा सकता है, ठीक है, अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, उसी को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो इसके तहत ह्यूमन कैपिटल को डेवलप किया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग टू एड्रेस स्किल गैप्स, जहाँ जहाँ जिस सेक्टर में स्किल गैप्स है बायोफार्मा के रीजन में, है ना, तो उस सेक्टर में ह्यूमन कैपिटल को तगड़ा यू नो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके तहत वो जो वैल्यू चेन में जहाँ जहाँ लैक किया जा रहा है उस वैल्यू चेन के गैप्स को भर सके हम लोग, ठीक है। साथ ही साथ इट विल लीड टू क्रिएटिंग एंड इनहांसिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो हमारा कैपेसिटी जो लैक कर रहा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर, उस यू नो लैगिंग सेक्टर्स को भी हम लोग इसके तहत भरपाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मिशन माना जा रहा है। नेक्स्ट इज दोस्तों ये है इकोनॉमी का न्यूज, आरबीआई ने कट कर दिया है रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 6%, पहले था 6.25%, 25 बेसिस पॉइंट काट दिया तो बचा 6%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेज ऑप्शन, ठीक है। और ये क्या होता है बेसिकली रेपो रेट, रेपो रेट के तहत आरबीआई लोन देता है दूसरे कमर्शियल बैंक्स को, अदर कमर्शियल बैंक होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए रेपो रेट के तहत आरबीआई जब दूसरे बैंक को पैसा दे रहा है तो लिक्विडिटी मूव्स टू बैंक, ठीक है, मतलब ये रेपो रेट के तहत हो जा रहा है, ठीक है, जहां पर इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी मतलब पैसे दे रहा है, दिया जा रहा है आरबीआई के से बैंक को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखिए आप पहले जो 6.25% था तो थोड़ा बैंक इकराती थी यार क्या पैसे लूं, मतलब अगर रिटर्न मुझे 6.25% करना पड़ेगा, पर क्योंकि अभी बैंक ने 6% कर दिया है तो बैंक बोलेगा चलो भाई अब 2.5% कम हमको पैसे देना पड़ेंगे, अभी मैं आरबीआई से ज़्यादा पैसा उधारी में ले सकता हूँ, ठीक है। तो वही हुआ दैट रेपो रेट का मतलब होता है इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी, जब रेपो रेट घटा देते हैं ना ये लोग तो लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना होता है इसका मतलब, ठीक है, जिससे के तहत बैंक को लालच लगे यार या सस्ते दरों में मुझे पैसा मिला। अब बैंक को सस्ते दरों में पैसा मिलेगा तो बैंक फिर उस पैसों को कस्टमर तक पहुंचा सकता है, हम और आप जैसे कस्टमर को, ठीक है। हम लोग को अगर सस्ते दरों में पैसे दिखेगा बैंक से तो हम लोग क्या करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे, ये वो खरीदेंगे, जिससे क्या जो डिफ्लेटरी ट्रेंड हो रहा है इकोनॉमी में जो अभी चल रहा है अभी, ठीक है, वो चीज भरपाई हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये न्यूज मतलब आरबीआई ने ये स्टेप इसलिए लिया क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट निकला था जिसके तहत आरबीआई ने कहा था दैट जो लिक्विडिटी जो है इंडिया में वो काफी ज्यादा घट रही है और हमारा सीपीआई का जो इन्फ्लेशन रेट है बहुत ज्यादा घट गया था, 1.25% आ गया था, ठीक है, सॉरी 1.5 आई गेस, आई डोंट नो एग्जैक्ट बट कुछ ऐसा ही था, है ना। तो उसी लिए आरबीआई ने ये रेपो रेट घटाया, इससे फायदा मिलेगा हम लोग को, ठीक है, एंड कस्टमर को फायदा मिलना का प्रोबेबिलिटी बताया जा रहा है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू अनवील नॉर्म्स फॉर ई कॉमर्स ट्रेड।
ई कॉमर्स ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन कुछ कुछ नॉर्म्स आउट करने वाली है, कुछ कुछ गाइडलाइंस आउट करने वाली है, ठीक है। तो उसी के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, पहले इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या न्यूज था। कंटेक्स्ट है, द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन विल सून ब्रिंग आउट गाइडलाइंस ऑन द क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स, क्योंकि अभी ई कॉमर्स में बहुत सारे कंट्रीज जैसे इंडिया भी एक बोल रहा है दैट यार ई कॉमर्स नहीं करेंगे नहीं तो हमारे कंट्रीज में नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो उसी को उसी के संदर्भ में WCO ने बोला है दैट हम गाइडलाइन कुछ कुछ निकालने वाले हैं। इट विल फोकस ऑन प्रिवेंटिंग इलीगल ट्रेड एज वेल एज एड्रेसिंग द चैलेंज स्टेमिंग फ्रॉम द डिजिटल डिवाइड। एक तो इलीगल ट्रेड जितना कैरी आउट किया जाता है उस पर लगाम लगाएगा, साथ ही साथ कहा जा रहा है इसके तहत वैसे रीजन्स जहाँ पे डिजिटल कनेक्ट नहीं है, ठीक है, तो उनको भी डिजिटल कनेक्ट के जो प्रॉब्लम से ही ना, आज सोचिए मेरे घर में डिजिटल कनेक्टिंग नहीं है तो हम ई कॉमर्स कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो सब सारे प्रॉब्लम्स को इश्यू करने के लिए वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन कुछ कुछ गाइडलाइन निकालने वाला है। इट विल एड्रेस द इशू ऑफ ब्लॉकिंग ई कॉमर्स ट्रेड एंड काइंड ऑफ इनेबलिंग एनवायरनमेंट नीडेड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू बेनिफिट मोर फ्रॉम ई कॉमर्स, जिससे क्या डेवलपिंग कंट्रीज जो क्या कंसर्न्स जता रहे यार हमारा नुकसान हो जाएगा, तो उन्हें एश्योर करवाने के लिए नहीं भैया आपका नुकसान नहीं होगा और आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसीलिए कुछ ये गाइडलाइंस इशू किए जाएंगे। देयर विल बी मेजर्स टेकन टू स्ट्रेंथन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन कस्टम्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रीज, है ना। अब वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कहाँ पर है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में, ठीक है। एंड ये इसका लोगो है देख लीजिए, एंड इट वर्क्स इन द एरियाज कवरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस, और किस किस टॉपिक के इंटरनेशनल कन्वेंशन से डील करता है, जैसे कॉमोडिटी क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, रूल्स ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, ठीक है, ये सब डायरेक्ट विकिपीडिया से दिया था, तो देख लीजिएगा। सब कुछ पढ़ के तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब यहाँ पर जहाँ पर भी कंटेंशियस होता है, क्रिएट हो रहा है, जहाँ पर वर्ल्ड डिसीजन कुछ नहीं ले पा रही है, तो उसके तहत बीच में आ जाएगी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन और वो गाइडलाइंस निकालती है, ठीक है, जैसे कि अभी कर रही है, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ई कॉमर्स के सेक्टर में। नेक्स्ट है, ये भी द हिंदू का ही न्यूज है, ये है कोकोनट पाम डिक्लेयर्ड एज स्टेट ट्री फॉर गोवा। दोस्तों पहले गोवा के एक एक्ट था जिसका नाम है गोवा दमन दीव प्रिवेंशन ऑफ ट्री एक्ट 1984, उसके तहत पिछले गवर्नमेंट जो थी बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने इस कोकोनट ट्री को एक्सक्लूड कर दिया था, ठीक है, बट रिसेंटली फिर से लाया गया है, ठीक है, और साथ ही साथ डिक्लेयर कर गया उस ट्री को स्टेट ट्री ऑफ गोवा। क्यों? टू रेगुलेट द फेलिंग ऑफ कोकोनट ट्रीज। ऐसा देखा जा रहा था दैट गोवा में कोकोनट ट्रीज बहुत काट दिया जा रहा था, ठीक है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए इसको स्टेट ट्री ही घोषित कर दिया गया, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूज ऑफ 3rd August 2017 गाइज। इफ यू एट ऑल लाइक द वीडियो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, आई विल जस्ट रिकमेंड यू गाइज टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एक्चुअली। और अगर आप चाहते हैं दैट आपको हर रोज जब भी मैं वीडियो डालू यूट्यूब में और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो ये बेल आइकन जो है इसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है, इसको प्रेस कीजिएगा तो हर रोज आपको न्यूज आता रहेगा, है ना। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट इट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।